हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट के चेयरमैन एवं मुस्लिम समाज के वरिष्ठ प्यारी खान ने गुरुवार को कलमना स्थित चिखली और मोमिनपुरा में स्थानीय मुस्लिम समाज बंधुओं से मिलकर आगामी लोकसभा चुनाव में मुस्लिमों की भागीदारी से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को जिताने का संकल्प लेकर चर्चा की है। इस आयोजित बैठक में सारण गडकरी भी उपस्थित थे। इस दौरान मुस्लिम समाज के स्थानीय जिम्मेदारों ने प्यारी खान की अगुवाई में आगामी लोकसभा चुनाव में नितिन गडकरी के लिए समर्पण भाव से सहकार्य करने का वादा किया और अपना समर्थन वोट के रूप में परिवर्तित करने का भरोसा जताया गया। इस दौरान प्यारी खान ने कहा कि मुस्लिम समाज की लीडरशिप को जिंदा करने और समाज को विकसित करने के लिए कांग्रेस के भ्रम जाल से बाहर निकलना होगा, तभी हम अपनी ताकत से हर दल को चेता सकेंगे। जब तक अपनी ताकत नहीं दिखाएंगे, समाज पिछड़ता ही जाएगा। खान ने कहा कि नितिन गडकरी वो शख्स है जो आपका वोट नहीं मिलने पर भी आपका काम करते हैं, लेकिन सोचिए जब आप उन्हें अपना वोट देंगे तो उन्हें भीतर से जो खुशी मिलेगी वह सबसे अहम होगी। ये लोग है, यहाँ रहते हैं और इनका कई पिछले कई सालों से इनका विकास ही नहीं हुआ और इनके लिए कोई विकास की बात करता ही नहीं था। तो मेरे पास इनके समाज के काफ़ी अच्छे लोग आए, अतीक भाई आए, बाकी भी जो लोग आए, इनके माध्यम से मैंने इनकी समस्या सुनी। तो समस्या कोई बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन कोई भी व्यक्ति इन्होंने बताया कि पिछले 5 साल पहले जिन्होंने चुनाव लड़ा था वो 5 साल हो गए यहाँ, कभी उनको यानी कि उन्होंने सूरत नहीं दिखाई, शक्ल नहीं दिखाई, ना उनसे कभी रास्ता कायम नहीं किया। तो यही सब उनके छोटे छोटे मुद्दे थे, उस पर अच्छी एक हेल्दी चर्चा हुई और उन्होंने इस बार अपना जो समर्थन है गडकरी साहब को देने का वादा किया है। तो ये सब चर्चा हुई और उनके विकास की, उनके एजुकेशन के बारे में काफ़ी सारी बात हुई कि बच्चों को कैसा एजुकेशन दिया जाए, कैसा पढ़ाया जाए, कैसा उनको, यहाँ के जो बच्चे वो खेल में बहुत आगे है। तो फुटबॉल का उन्होंने मुझसे पूछा था, तो मैंने कहा भी सब कुछ हम लोग करेंगे, आप हमारे साथ आइए, बिल्कुल इंशाल्लाह सब काम होंगे। बैठक में उपस्थित सारंग गडकरी ने भी उपस्थित लोगों से संवाद साधा और कहा कि इंसान में इंसानियत होनी चाहिए। मध्य नागपुर में आज जो मीटिंग हुई, स्थानिक समस्या अगर देखी जाए तो बहुत बड़ी या ऐसी नहीं है। पैरी जी ने ऑलरेडी कुछ समस्या इनकी रिजॉल्व कर दी है और मुझे लगता है आने वाले दिनों में यहाँ पे चेंज अपने को जरूर मिलेगा, स्पेशली शिक्षा और हेल्थ के विषय में। तो शिक्षा में यहाँ पे जो लाइब्रेरी और उसको चलाने का यहाँ के लोगों का, ये तो ऑलरेडी 20 करोड़ रुपया दिलवा चुके हैं और रही बात चलाने की, तो उस ये मसले पे भी सोल्यूशन निकल के मुझे विश्वास है कि उनको ही चलाने के लिए लाइब्रेरी भी मिलेगी। और यहाँ पे उसके बाद यहाँ के लोगों को, स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म जो है अच्छा मिल पाएगा। इस दौरान चिखली और मोमिनपुरा के स्थानीय लोगों ने अपनी समस्याएं रखी। लोगों ने इस बार नितिन गडकरी को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है और भारी वोटों से जिताने का विश्वास जताया है। हमारा पहला मुद्दा था, हमारे बड़े भाई प्यारे खान साहब, सारंग साहब यहाँ तशरीफ फरमा है, सबसे बड़ा मुद्दा हमारा जो था ई लाइब्रेरी का, जो यहाँ पर मोमिनपुरे में पुरानी लाइब्रेरी थी, उसके बाद उसका थोड़ा कानूनी उसमें अड़चने आई तो वो लाइब्रेरी हमारे हाथ से निकल गई। तो हमारे प्यारे खान साहब ने और सारंग साहब ने कहा है कि इंशाल्लाह अगर से हमें कामयाबी मिलती है और हम पावर में रहते हैं तो ये लाइब्रेरी तुमको वापस ला के देंगे और तुम्हारे ही माध्यम से चलाया जाएगा, जो उसमें कमेटी नियुक्त की गई थी तो वो उन्हीं के माध्यम से वो लाइब्रेरी चलाई जाएंगी। और उसके लिए सारंग साहब ने अभी कहा कि 20 करोड़ रुपया ऑलरेडी गवर्नमेंट की तरफ से सेंक्शन हो चुकी है। तो हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में, और जितने यहाँ लोग अभी सब समाज के लोग जमा हुए थे और इंशाअल्लाह सब ने ऐसा मन बना लिया इस बार, क्योंकि हम 50-60 साल से कांग्रेस को वोट देते हुए आए हैं, हमें कुछ हासिल नहीं हुआ, इस बार हमने सब ने मन बना लिया है कि एक मत होकर गडकरी साहब को वोट देंगे। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ अभिषेक पानसे की रिपोर्ट।